नमस्कार, मैं शालिनी आज मैं फिर से आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप सबको रूट से पनीर तैयार करना बतलाऊँगी। मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसे बॉईल होने चढ़ा दिया है और दूध को फाड़ने के लिए नींबू की ज़रूरत होगी। वैसे तो पनीर की मिठाई जो तैयार की जाती है जैसे रसगुल्ला या रसमलाई वगैरह, तो उसके लिए छेना का पानी जो होता है वो सबसे अच्छा होता है दूध को फाड़ने के लिए। लेकिन छेना का पानी तैयार करने के लिए सबसे पहले दूध को नींबू से ही फाड़ना पड़ता है। मैंने दूध को बॉईल होने चढ़ा दिया है और दूध बॉईल होने को आ गई है। अच्छी तरह से एक बार बॉईल कर लेना है। ये देखिए दूध बिल्कुल बॉईल हो गई है। स्टोव को बंद कर देना है। और नींबू से रस निकाल लेना है। दूध के बॉईल होने के बाद उसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने छोड़ देना होता है। अब इसमें नींबू का रस डाल देंगे। एक बार बस इस तरह से मिला देंगे। देखिए कितनी अच्छे से फट जाती है दूध। ये बिल्कुल फट गई और इसकी पानी बिल्कुल अलग हो गई। बिल्कुल इसमें दूध का अंश नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ये पानी हो जाना चाहिए और पनीर अलग हो जाना चाहिए। अब इसे छान लेती हूँ। छानने के लिए मलमल का कपड़ा लिया जाता है और अगर घर में मलमल का कपड़ा ना हो तो इस तरह की छन्नी में भी आराम से छन जाती है। धीरे से इसके ऊपर पनीर को छान लेंगे। ये देखिए मैंने पानी को थोड़ा इस तरह से हिला हिला कर हटा लिया है और ये छेना का पानी तैयार हो गया। और अब इस पनीर के ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे। इसे मैं इसी के ऊपर छोड़ दूंगी और ये आराम से इस पर रखे रखे 1 घंटे में इसकी पूरी पानी निकल जाएगी। इसे दबाने की कोशिश न करें। दबाने से होता क्या है कि इसमें कुछ जो दूध के अंश रहते हैं वो निकल जाएंगे, तो इसकी सॉफ्टनेस निकल जाती है। इसलिए इसको बिल्कुल दबाना नहीं है, बस ऐसे ही इसे छोड़ देना है और ऊपर से कवर कर दें। 1 घंटे के बाद आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रसगुल्ला के 2 वीडियो डाल रखे हैं। अब ये जो छेना का पानी निकल कर आता है इसे फर्मेंट होने छोड़ दिया जाता है 1-2 दिन। ठंडे में तो थोड़ी 2 से 3 दिन लग जाती है, लेकिन गर्मी में ये 1 दिन में ही फर्मेंट हो जाती है। और तब जैसे दूध के ऊपर नींबू डालते हैं वैसे ही छेना का पानी डालकर दूध को फाड़ लिया जाता है और तब जो पनीर तैयार होती है वो रसगुल्ला या रसमलाई या छेने से बन तैयार की जाने वाली किसी भी मिठाई के लिए सबसे अच्छी होती है। तो इस तरह से पनीर तैयार की जाती है। आप भी इसे बनाकर देखें और अपने कमेंट्स में ऐसा जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।